आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये एक आउटसाइडर है। ये जब इंडस्ट्री में आई तो कोई गॉडफादर नहीं था और ना ही किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से कनेक्शन था। इनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इनके दिल से था, जिसमें ये बात क्लियर थी कि इन्हें एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है। इंडस्ट्री में ये एक्टिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर आई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों के साथ इनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। लोगों ने इनके लिप्स की बात की, इनके नोज की बात की, इनको बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इम्प्लांट और लिफ्ट कराने की बात कही, लेकिन किसी ने भी इनकी एक्टिंग नहीं देखी। इनिशियली जब इन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू किया तो इनकी ड्रेसिंग के बारे में कुछ लिखा गया, इनको बॉडी शेम किया गया, लेकिन इन्होंने इन सारी बातों को बदल दिया और लिखने वालों को इनकी एक्टिंग के बारे में लिखने के लिए मजबूर कर दिया। आज इनकी फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है, देश में ही नहीं दुनिया में इनकी फिल्मों को अवार्ड्स मिले हैं। बात करेंगे नगमा खातून और भोली पंजाबन जैसे जबरदस्त किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की। ऋचा चड्ढा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब दिल्ली की एक लड़की मुंबई आई एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर, क्यों पहली ही फिल्म के बाद 2 सालों तक ऋचा चड्ढा को कोई काम ही नहीं मिला, और कैसे इस मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में, इस फेवरेट लोगों वाली इंडस्ट्री में ऋचा चड्ढा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऋचा चड्ढा दिल्ली में पली बड़ी है, उनके पेरेंट्स जॉब में थे, दोनों ही टीचर्स थे। बचपन में ही ऋचा चड्ढा को ये बात क्लियर हो गई थी कि उन्हें बड़े होकर एक्ट्रेस ही बनना है। उन्हें नाचने का बहुत शौक था और वो अपने पापा की मिमिक्री किया करती थी। ऋचा ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि तब उनके पिताजी की तोंद हुआ करती थी तो अपने पिता को मिमिक करने के लिए वो टी शर्ट के अंदर पिलो डाल के तोंद बनाती थी और फिर अपने पिता को इनैक्ट करने की कोशिश करती थी। यानी कि एक्टिंग में उनके पहले टीचर उनके पिता थे और पहली ऑडियंस उनके रिलेटिव थे। घर में जब भी मेहमान आते थे 4 लोग साथ बैठे वहां पर जाकर ऋचा चड्ढा डांस करने लग जाया करती थी। ऋचा के इसी इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी मॉम ने उन्हें बचपन में ही डांस क्लासेस ज्वाइन करवा दी, जिसके तहत उन्होंने कथक ज्वाइन किया। स्कूल के दौरान ऋचा चड्ढा ड्रामा और प्लेज में बहुत पार्टिसिपेट किया करती थी। उन्होंने दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय से अपनी स्कूलिंग की, इसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। हिस्ट्री में वो ग्रेजुएट हुई। कॉलेज के दौरान ऋचा चड्ढा ड्रामा में काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रही, वो काफी प्लेज का हिस्सा बना करती थी। इसी दौरान उन्होंने बैरी जॉन्स को ज्वाइन किया और उनके साथ थिएटर करने लगी। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने थिएटर ग्रुप में ऋचा चड्ढा एक पॉपुलर लड़की बन चुकी थी। इस दौरान वो कई सारे प्लेस का हिस्सा बनती थी। एक्चुअली वो थिएटर में एक एक्स्ट्रा के तौर पर काम करती थी कि अगर कोई एक्टर बीमार पड़ गया, कोई नहीं आया, तो फिर ऋचा चड्ढा को कास्ट किया जाता था। इसी दौरान जब उन्हें थिएटर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया तो फिर उन्होंने रुख किया मुंबई का, क्योंकि उन्हें थिएटर हमेशा के लिए नहीं करना था, उन्हें तो फिल्म एक्ट्रेस बनना था। यही कारण था कि दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होने का मन बना लिया। पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया और आगे मुंबई में उनकी ऑलरेडी एक फ्रेंड रहती थी जिसका नाम था राधिका। मुंबई में आकर ऋचा चड्ढा ने राधिका के साथ रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान ऋचा चड्ढा ने मास कम्युनिकेशन कोर्स के लिए अप्लाई किया और साइड बाय साइड कॉलेज से फ्री होकर वो थिएटर करती थी, वो ऑडिशंस देती थी। यही वो टाइम था जब बैरी जॉन्स भी दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए और यहाँ पर आकर फिर ऋचा चड्ढा ने बैरी जॉन्स को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मुंबई आकर लाइफ दिल्ली जैसी नहीं थी। दिल्ली में अपना घर था, पेरेंट्स थे, दिन भर फ्रेंड्स से मिलते फिर घर पर लौट जाते। मुंबई में आपको खुद खड़े होना पड़ता है, खुद की लाइफ अपने कंट्रोल में रखनी पड़ती है और अपने खर्चे भी खुद को ही निकालने पड़ते हैं। इसी दौरान ऋचा चड्ढा ने जब जर्नलिज्म का कोर्स किया तो वो कुछ मीडिया हाउसेस के लिए कॉलम्स लिखा करती थी। उन्होंने एक रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया। तब अभय देओल का आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के लिए इंटरव्यू भी ऋचा चड्ढा ले चुकी थी। इस जॉब से उन्हें पैसे मिलते थे जिससे उनका रेंट निकल जाया करता था और कुछ खर्चा भी निकल जाया करता था। तब 2007 में ऋचा चड्ढा 6,000 रुपया अपना रेंट भरा करती थी। तो ऑडिशंस देना, न्यूज़पेपर के लिए कॉलम्स लिखना, रिपोर्टर के तौर पर काम करना और कुछ बी ग्रेड फिल्मों के रिव्यूज लिखना, ये काम ऋचा चड्ढा कर रही थी 2008 तक। इसी दौरान उन्होंने बैरी जॉन्स के एक प्ले में काम किया, बगदाद के गुलाम। और इस प्ले में जिस दौरान ऋचा चड्ढा काम कर रही थी तभी दिबांकर बैनर्जी ओए लक्की लक्की ओए फिल्म बना रहे थे और तब उन्होंने उस प्ले की कुछ लड़कियों को ऑडिशन के लिए बुलाया था।
इस फिल्म के लिए ऋचा चड्ढा ने भी ऑडिशन दिया और डॉली के रोल के लिए ऋचा चड्ढा फाइनलाइज हो गई। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन अहम रोल था। ऋचा चड्ढा ने ध्यान बराबर तरीके से खींचा क्योंकि रोल एकदम अलग था। एक चिपकू लड़की का किरदार ऋचा चड्ढा ने इस फिल्म में निभाया था। ओए लक्की लक्की ओए फिल्म साइन करने के पीछे ऋचा चड्ढा के दो तीन कारण थे। सबसे पहली बात तो दिबांकर बैनर्जी बना रहे थे, खोसला का घोसला फिल्म बना चुके थे, बहुत बड़ा नाम थे इंडस्ट्री का। यूटीवी बैनर ये फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा था और धर्मेंद्र का भतीजा यानी कि अभय देओल इस फिल्म में काम कर रहा था। इसके अलावा परेश रावल जैसे बेहतरीन एक्टर थे, इसीलिए ऋचा चड्ढा इस छोटे से रोल को भी ना नहीं कह पाई और उन्होंने इसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। यानी कि 4 साल की उम्र से ऋचा चड्ढा जो सपना देख रही थी, वो सपना ओए लक्की लक्की ओए फिल्म से साकार होने जा रहा था। ऋचा चड्ढा 7वें आसमान पर थी। गोवा में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, एक फंक्शन था और सभी को ये फिल्म पसंद आ रही थी। तभी एक खबर आई कि मुंबई में बम ब्लास्ट हो गए हैं। 2008 की बात है, 26/11 का टेररिस्ट अटैक हो गया था मुंबई में। 10 जगहों पर ये बम ब्लास्ट हुआ था और पूरी मुंबई माया नगरी हिल चुकी थी। मुंबई जिसे फिल्म का मेन मार्केट कहा जाता है, वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया कि थिएटर में इस फिल्म को देखने कोई गया ही नहीं। हालांकि ये फिल्म जब टीवी पर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखा और काफी सराहा, लेकिन उस टाइम इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में कोई परिंदा भी नहीं गया था। किसने ऐसा सोचा होगा कि आपको एक्टिंग आती है, आपको एक अच्छी फिल्म भी मिल गई और वो फिल्म बनी भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म को थिएटर में देखने कोई नहीं गया। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा ऋचा चड्ढा का अपनी पहली ही फिल्म के बाद। पहले अगर ये दुख कम था तो अभी तो ऋचा चड्ढा के लिए एक पहाड़ जैसी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। ओए लक्की लक्की ओए फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन उस फिल्म को किसी ने देखा ही नहीं। जब तक उस फिल्म की बातें लोगों तक पहुंची तब तक बहुत समय निकल गया था। इस फिल्म को करने के बाद 2 साल तक ऋचा चड्ढा के पास कोई काम ही नहीं था। उन्हें किसी फिल्म में काम ही नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने देवडी फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था कल्की वाले रोल के लिए, लेकिन फाइनली कल्की को लेकर ही देवडी फिल्म बनाई गई। इस दौरान ऋचा चड्ढा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो फिर से दिल्ली लौट जाए अपने पेरेंट्स के पास, या फिर मुंबई में ही ऑडिशंस देती रहे और जॉब्स करती रहे। तो ऋचा चड्ढा ने मुंबई में रहने का ही डिसीजन लिया। इस दौरान उन्होंने फिर से थिएटर में काम किया, कुछ एड फिल्म्स की जिससे उनकी पॉकेट मनी निकल जाया करती थी, और कुछ प्लेज और शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट भी करने लगी थी ऋचा चड्ढा उस दौरान। इसी दौरान अनुराग कश्यप एक फिल्म बना रहे थे गैंग्स ऑफ वसीपुर, और उन्हें इस फिल्म में नगमा खातून के कैरेक्टर के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी जो यंग रोल भी कर दे और 50 साल तक का भी रोल कर दे। यानी कि फिल्म के दौरान ऋचा को बूढ़ी औरत का भी किरदार निभाना था। अब ऋचा चड्ढा जो फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में काम करने आई थी, हीरोइन बनने आई थी, यहाँ पर उन्हें रोल्स ऐसे ऑफर हो रहे थे। पहली फिल्म में उन्होंने छोटा किरदार कर लिया और दूसरी फिल्म में उन्हें एक शादीशुदा और अपने से काफी सीनियर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मॉम का रोल करना था। ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन उसके बावजूद ऋचा चड्ढा ने ये काम किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। जिस वक्त ऋचा चड्ढा ये फिल्म कर रही थी, तब उनके दिमाग में एक ही बात थी कि थिएटर से तो बेहतर ही है कि मैं फिल्मों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि थिएटर तो मैं दिल्ली में भी बैठकर कर रही थी, मैं मुंबई आई थी फिल्में करने के लिए। इसीलिए ऋचा चड्ढा ने नगमा खातून का ये किरदार किया था। किरदार बहुत अजीब था, आप एक मॉम का किरदार कर रही हो और आपको गालियां बहुत देनी है, साथ ही आपको स्क्रीन पर बूढ़ा दिखाया जाएगा। अगर आप एक एक्ट्रेस बनने आए हो, आपको कमर्शियल फिल्म की एक्ट्रेस बनना है, तो ऐसे में इस तरह के रोल्स आपके करियर को बहुत हार्म कर सकते हैं। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म को दुनिया भर के फेस्टिवल्स में दिखाया गया और नगमा खातून के रोल के लिए ऋचा चड्ढा को कई सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें से एक था फिल्म फेयर अवार्ड। ऋचा चड्ढा ने अपनी इसी फिल्म से अपना लोहा मनवा दिया और ये प्रूव कर दिया कि वो यंग का किरदार भी अच्छे से निभा सकती है, वो 24 साल की उम्र में 50 साल की एक आंटी का कैरेक्टर भी निभा सकती है, जैसा मौका अनुपम खेर ने अपने टाइम पर किया था। वो कितनी सीरियस है अपनी कला के प्रति, वो ऋचा चड्ढा ने इसी फिल्म से बता दिया था। और 2 साल तक जो उनके पास काम नहीं था, इस अकेली फिल्म ने इसकी भरपाई कर दी। इस फिल्म के बाद ऋचा चड्ढा ने एक के बाद एक 11 फिल्में साइन कर ली थी। अब बारी आती है इंडस्ट्री के एक्सेप्टेंस की। आप आउटसाइडर हैं, आपने फिल्में अपने दम पे पाली, आप हिट हो गई, आप लोगों को पसंद भी आई, आपको अवार्ड भी मिल गया, लेकिन इंडस्ट्री कुछ तो नुक्स निकालेगी, ऐसे ही तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तब ऋचा चड्ढा को टाइपकास्ट करने की कोशिश की गई। एक के बाद एक ऋचा चड्ढा को इसी तरह के रोल्स ऑफर हुए। इनफैक्ट ऋचा चड्ढा तब बहुत शॉक्ड हो गई जब अग्निपथ फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस बना रहा था ऋतिक रोशन को लेकर, और उसमें ऋतिक की मॉम का किरदार
ऋचा चड्डा को ऑफर हुआ था। ऋचा चड्डा ने उस दौरान धर्मा प्रोडक्शंस के कास्टिंग डायरेक्टर को खरी खोटी सुना दी थी, जिस कारण आज भी वो कास्टिंग डायरेक्टर ऋचा चड्डा को कहीं भी फिल्म में कास्ट किया जाता है तो उसमें अपनी टांग जरूर अड़ाता है। ऋचा चड्डा अब एटलीस्ट उस स्टेज पर आ गई थी जब वो रोल्स खुद चूज कर सके। ऐसा नहीं कि जो रोल मिल रहा है वो कर ले, और कुछ बड़ा काम करने का अब वक्त आ गया था। लेकिन इंडस्ट्री ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इंडस्ट्री ऋचा चड्डा की एक्टिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। वो तो उनके कपड़े, उनकी बॉडी, कितनी वो मोटी हो रही हैं, क्या खा रही हैं, इन सब चीजों के बारे में लिखा करती थी। एक्टिंग के बारे में अभी तक भी खबरें नहीं छपने लगी थी। ईयर 2013 में आई फिल्म फुकरे, चार लड़के चारों बदमाश, लेकिन उन सभी से सबसे ज्यादा बदमाश ऋचा चड्डा। भोली पंजाबन के किरदार में जिस तरीके से ऋचा चड्डा घुसी है, वो किरदार देखकर यही लगता है कि ऋचा चड्डा असलियत में भी ऐसी होगी। एक के बाद एक लेडी डॉन वाले किरदार ऋचा चड्डा अपनी फिल्मों में निभा रही थी और लोगों को खूब पसंद भी आ रही थी। ऋचा उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक थी जो भर के गालियां देती थी तो भी लोग उस पर तालियां ही बजाते थे। 2013 में ऋचा चड्डा एक और बहुत बड़ी फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी गोलियों की रासलीला रामलीला। जी हाँ, रामलीला में ऋचा चड्डा ने दीपिका पादुकोण की भाभी का किरदार निभाया था, रसीला का किरदार निभाया था। ये किरदार भी अपने आप में काफी दमदार था, लेकिन ऋचा अपने इस एक्सपीरियंस को बहुत बुरा मानती है। उनका कहना है कि रामलीला फिल्म में रसिका का किरदार करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आज की डेट में वो रोल उन्हें ऑफर होता तो शायद वो रिजेक्ट कर देती। इसके पीछे कारण ये है कि संजय लीला भंसाली का पूरा ध्यान दीपिका और रणवीर की स्टोरी पर ही था। रसिका के किरदार को हाईली एडिट किया गया और उनके बहुत कम सीन्स इस फिल्म में रखे गए। उनके कैरेक्टर को अच्छे से नहीं पोर्ट्रे किया गया इस फिल्म में। वेल, गैंग्स ऑफ वासीपुर में काम करने के बाद अगर ऋचा चड्डा की जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद वो इस तरह के रोल्स के लिए मना कर देती, लेकिन संजय लीला भंसाली काम कर रहे थे, फिल्म अच्छी थी, और जिस वक्त ऋचा चड्डा ने अपने किरदार को पढ़ा था तब वो किरदार बहुत अच्छा था, उसकी बहुत अहमियत थी फिल्म में, लेकिन एडिटिंग पर सब कुछ कट हो गया। और ऐसा ही कुछ हुआ ऋचा चड्डा के साथ फिल्म सरबजीत में। जी हाँ, इस फिल्म में भी ऋचा चड्डा का एक अहम किरदार था, लेकिन मेकर्स का पूरा ध्यान ऐश्वर्या राय पर इस कदर था कि रणदीप हुडा और ऋचा चड्डा दोनों की वाहवाही ही नहीं हुई। जहां ऋचा के सीन्स काट दिए गए, वहीं रणदीप हुडा ने काम अच्छा किया लेकिन उन्हें उतना क्रेडिट नहीं दिया गया। कुछ इस तरह से मेन स्ट्रीम स्टार्स और बड़े नामों के पीछे ये इंडस्ट्री भागती है और उन्हीं की मोहताज होती नजर आती है। बट ऋचा चड्डा ने अपने काम के साथ जस्टिस करना नहीं छोड़ा। 2015 में मसान फिल्म में वो नजर आई। इसमें उन्होंने देवी पाठक का किरदार निभाया था, जो कि फिल्म में एक लड़के के साथ सेक्स करती हुई एक रूम से पकड़ी जाती है और उसके बाद उसकी जिंदगी किस तरीके से पलट जाती है, ये पूरी बात इस फिल्म में बताई गई। ये किरदार ऋचा चड्डा ने बहुत ही सिंसियरली निभाया। ये फिल्म अपने आप में एक आइकॉनिक फिल्म है बॉलीवुड इंडस्ट्री की। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। 5 मिनट तक ऑडियंस इस फिल्म को देखने के बाद खड़ी रही। ये एक सबसे बड़ा मौका था ऋचा चड्डा के लिए। और जब इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल गई तो उसके बाद इंडिया वाली मीडिया ने फाइनली ऋचा चड्डा को लेकर, उनकी एक्टिंग को लेकर, उनकी सिंसियरिटी को लेकर कॉलम्स लिखने शुरू कर दिए। 2015 में ही उन्होंने चार्ल्स शोभराज के लाइफ पर बनी फिल्म मैं और चार्ल्स में काम किया। हालांकि फिल्म की रिलीज को लेकर काफी टाइम लग गया था और ये फिल्म उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन ऋचा चड्डा की ये पहली कमर्शियल फिल्म थी। चौक एंड डस्टर, सेक्शन 375, हाल ही में कंगना रनौत के साथ वो पंगा में नजर आई, इनसाइड एज नाम की वेब सीरीज में भी वो नजर आ चुकी है, और शकीला जो कि एक अडल्ट पॉर्न स्टार पर मूवी बेस्ड है उसकी बायोग्राफी में भी ऋचा चड्डा काम कर रही है, जो फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया। ऋचा चड्डा ने अपने रोल्स और अपनी चॉइसेस ऑफ फिल्म से ये प्रूव कर दिया है कि इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में, इस फेवरेटिज्म और ग्रुपिज्म वाली इंडस्ट्री में एज एन आउटसाइडर वो अपनी जगह खुद ही बना सकती है। हालांकि इसके पीछे उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। ऋचा के स्ट्रगल की अगर बात की जाए तो पहला स्ट्रगल तो उनका वो था जब पहली फिल्म के रिलीज वाले दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। वहीं कास्टिंग काउच का भी कई बार सामना करना पड़ा है ऋचा चड्डा को। उनका कहना है कि एक बार वो एक पार्टी में गई थी जहां पर उनके काफी नोन लोग थे, इनफैक्ट उनके अंकल वहां पर थे, उसके बावजूद एक प्रोड्यूसर उनके पास आता है और कहता है कि डिनर कर लें, तो ऋचा चड्डा ने उन्हें बता दिया कि मैंने डिनर कर लिया, इनफैक्ट स्पेसिफिकली बता दिया कि मैंने डिनर में ये खा लिया। उसके बावजूद वो प्रोड्यूसर उन्हें हाथ लगा के पूछता है कि ये वाला नहीं वो वाला डिनर कर ले।
तब ऋचा चड्ढा ने उस प्रोड्यूसर को मुंह पे ना कहा था, जिसके कारण ऋचा चड्ढा ने काफी प्रोजेक्ट्स भी खोए थे। एक और इंसिडेंट ऋचा चड्ढा बताती है, जब उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में लगा कि वाकई में ये इंडस्ट्री फेक है, फर्जी है यहाँ के लोग, ऐसा तब हुआ जब ऋचा चड्ढा को एक फिल्म के लिए साइन कर लिया था। ऋचा चड्ढा ने इस फिल्म के लिए अलग लैंग्वेज, अलग जो हाथों के मूवमेंट्स उन्हें सीखने थे वो सीख लिए, जिस टाइप की बॉडी की जरूरत थी इस फिल्म में उसके लिए ट्रेनिंग ले ली, उनके कॉस्ट्यूम तक स्टिच हो गए थे इस फिल्म के लिए, यानी कि सिर्फ कैमरा के सामने पहला सीन शूट करने की तैयारी थी कि उससे पहले ही ऋचा चड्ढा को पता चलता है कि उस फिल्म से उन्हें हटा दिया गया है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि फिल्म में ऋचा को रिप्लेस किया है उस एक्ट्रेस से जो इस फिल्म से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट इंसान की गर्लफ्रेंड थी। क्योंकि ऋचा चड्ढा ने डेयर किया था अपनी लाइफ में कि इंडस्ट्री में आउटसाइडर होते हुए वो अपना नाम बनाएगी, वो शोबिज में आएगी बिना किसी गॉडफादर के और बिना किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या बड़े ग्रुप की चमचा के दिखिए वो अपना नाम बनाएगी, तो इसका खामियाजा भी उन्होंने बराबर भुगता है। एक टाइम पर उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें मीडिया में लिखी गई, लोग उनकी एक्टिंग की जगह जब उनकी बॉडी और उनके कपड़ों के बारे में बात करते थे। ये वो टाइम था जब ऋचा चड्ढा खुद से नफरत करने लगी थी। एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ आपके आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, आपको फिल्मों से निकाला जा रहा है बिना किसी वजह के, और दूसरी तरफ जब आपकी पर्सनल लाइफ में आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तब एक ऐसा फेज आता है जब आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। और ऋचा चड्ढा ने कहा कि यहाँ पर सुसाइड होना भी आम बात है। एक लंबे समय तक ऋचा चड्ढा बुलीमिया की शिकार रही, जिसमें आपको अपने आप से नफरत होती है और आप जो भी खाते हैं वो वॉमिट के रूप में निकल जाता है। इस तरह की हालत से सालों तक ऋचा चड्ढा जूझती रही है। अगर उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें तो ऋचा चड्ढा ने थोड़े टाइम के लिए निखिल द्विवेदी के साथ डेट किया था, जिनके साथ उन्होंने तमंचे फिल्म बनाई थी। इसके अलावा जब वो कांस गई थी मसान के लिए, तभी एक फ्रेंच एक्टर से उनकी मुलाकात हुई जिसका नाम था फ्रैंक। उसके साथ ऋचा चड्ढा एक साल तक रिलेशनशिप में रही थी, हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस के कारण ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। अब ऋचा चड्ढा रिलेशनशिप में है अपनी ही फिल्म फुकरे के टीम मेंबर अली फैजल के साथ। इनफैक्ट इन दोनों का रिलेशन इतना स्ट्रांग जा रहा है कि इसी साल अप्रैल में ऋचा और अली फैजल की शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन और कोविड पेंडेमिक के कारण ऋचा और अली फैजल ने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया। हालांकि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं, दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी कर दिया है, लेकिन ऋचा ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो जब तक ये कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करेगी, तो इसीलिए अभी के लिए उन्होंने शादी को पोस्टपोन ही कर लिया है। ऋचा चड्ढा जैसी एक्ट्रेस उन लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो इस इंडस्ट्री में आकर अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री को ऋचा चड्ढा और कंगना रनौत जैसी और भी एक्ट्रेसेस की जरूरत है जो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रांग हेडेड है कि इंडस्ट्री की सोच बदल दे और उन्हें ये समझा दे कि ये इंडस्ट्री किसी की जागीर नहीं है, यहाँ पर कोई भी आकर अगर मेहनत करे तो अपने लिए एक अच्छी जगह बना सकता है। वेल, वी स्टिल होप कि ऋचा चड्ढा के लिए अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में वैसा रोल नहीं आया है जिसकी वो हकदार है। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, उन्हें एक फुल फ्लेज फिल्म उनके ऊपर बेस्ड बननी चाहिए, उन्हें उस तरह का रोल इंडस्ट्री को ऑफर करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो अभी काम कर रही है वो देखकर लगता है कि वो रोल जल्द ही उन्हें जरूर मिलेगा। वी होप कि इंडस्ट्री स्टार्स से अपनी नजरें थोड़ी हटाकर इन बेहतरीन कलाकार की तरफ भी देखे जो सालों से इस इंडस्ट्री में सपोर्टिंग रोल करके मेन स्ट्रीम की तरफ आए हैं। ऋचा चड्ढा की कौन सी फिल्म, कौन से डायलॉग आपको बहुत पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।